भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने आज एक दिवसीय हड़ताल करके प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के तहत देश भर के समस्त श्रम कानूनों की आचार संहिता को बदलकर मालिकों को दमन का अधिकार दे दिया गया है। उद्योगों में से छंटनी का अधिकार, काम के घंटों को 8 से 12 घंटों का बदलाव आदि बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका सारी ट्रेड यूनियन विरोध कर रही है। इसी के तहत आज दवाई विक्रेता प्रतिनिधि हड़ताल पर रहे। उत्तराखंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुरादाबाद से हूँ। आज हम लोग अखिल भारतीय आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, जिसमें कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगे हैं कि कोरोना के कोविड-19 के बहाने आज हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर जो हमारे कंपनियों के मालिकों के हित में फैसले लिए गए हैं और पटनी छटनी करी गई है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू करने की घोषणा हो रही है, उनके खिलाफ हम लोगों की आज हड़ताल है। आज की हड़ताल में हमारी मांगे हैं कि हमारे काम के घंटे तय करे जाएं, हम लोगों को SC एक्ट के तहत अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, हमारे कोरोना के बहाने जिन साथियों का वेतन रोका गया है उन लोगों का वेतन दिया जाए, और साथ ही साथ हमारी सरकार से ये मांगे हैं जो हमारे श्रम कानूनों पे जो हमारे 44 श्रम कानून हैं उनको जो सरकार ने केंद्र सरकार ने बदलकर 3 करोड़ के अंदर लागू कर दिया है उनको बहिष्कार पूरा किया जाए। तो हमारी केंद्र सरकार से यही मांगे कि हमारे श्रम कानून में पूरे खिलवाड़ से खिलवाड़ ना किया जाए और हम लोगों को भविष्य में होने वाली कटनी छटनी को रोका जाए। हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय को इस चीज़ों को लेकर 2 दिन पहले ही ज्ञापन दिया है और अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती भविष्य में तो हम इस तरीके की हड़ताल और ज्ञापन आगे भी लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को भेजते रहेंगे।